अहम जानकारियों से करते हैं। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है। सावित्री मंडावी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता सीएम के साथ इस दौरान मौजूद। ये बड़ी अपडेट आपको पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस अपने पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील सीएम भूपेश बघेल की ओर से की गई। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं सीएम के साथ इस दौरान मौजूद रहे। सावित्री मंडावी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भानु प्रतापपुर में। आपको बता दें मनोज मंडावी का निधन हुआ था तो उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को भानु प्रतापपुर से टिकट कांग्रेस ने दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। और सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार में पहुंचे और प्रचार प्रसार किया। सावित्री मंडावी के पक्ष में मतदान करने की अपील भानु प्रतापपुर की जनता से सीएम भूपेश बघेल ने की है। कांग्रेस के तमाम नेता सीएम के साथ इस दौरान मौजूद रहे। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सत्ता का सेमीफाइनल भानु प्रतापपुर उपचुनाव को माना जा रहा है। जिस तरीके से 2023 में प्रदेश में चुनाव होने हैं उससे पहले ये अंतिम उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और इस बीच सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे सीएम के कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले किस तरीके से आज का उनका पूरा कार्यक्रम भानु प्रतापपुर में तय? हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा, फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से ये अहम जानकारी है, सीएम भूपेश बघेल का दौरा है भानु प्रतापपुर का,